जनता से मिलने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पे कि सत्ता और संगठन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से निर्णय हुआ कि सभी मंत्रियों को एक दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकर जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी बात को सुननी चाहिए, क्या निचले स्तर पर क्या हो रहा है, आपके विभाग से संबंधित कोई शिकायत हो, कोई काम हो तो उसका निपटारा जल्दी से हो सके, इस दृष्टिकोण से सब सभी मंत्रियों को यहाँ बैठने का निर्देश है। आज हम लोग 3 बजे से मेरा था, उससे पहले राजस्व मंत्री और दूसरे मंत्री भी यहाँ पे आए थे, और प्रदेश में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मनोबल बनाए रखना है और उनकी बात सुनी जाए, इस कारण से हम लोग यहाँ बैठे। बहुत सी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत से आवेदन पत्र भी आए हैं, इनका अपने स्तर पर अपने विभागीय लोगों से चर्चा करके इनका निपटारा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के अधिकतर ग्रामीण स्कूलों में टीचरों की संख्या की कमी है, वो अभाव है, पढ़ाई नहीं हो पाता स्कूलों में। साथ ही साथ जो आने वाले सत्र है, नए शिक्षण सत्र स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए क्या विशेष तैयारियाँ की गई है? जो शिक्षकों की कमी है उन जगहों पर पहुँचे उसके लिए अभी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, और 15,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नियमित भर्ती हो रही है, जो लगता है कि 23 साल बाद हो रही है। तो जो कमियां थी अंग्रेजी के टीचरों की, साइंस के टीचरों की, गणित के टीचरों की, उनकी प्रतिपूर्ति होगी इंटीरियर सीट जहाँ पे आवश्यकता है, विशेषकर सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में, वहाँ कम ही लोग वहाँ पे जाते हैं, और बाकी तो जो सामान्य क्षेत्र वहाँ पे रहते हैं तो उनकी प्रतिपूर्ति हो सके, इसलिए नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, इसके कारण उसकी पूर्ति हो जाएगी। स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें 1 से लेकर 12 तक, तो कहाँ तक सफल हो पाएगा? छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रचार प्रसार है जो थम गया था, वो आगे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे कि जो क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी का भी अलग अलग है, सरगुजा में सरगुजिया बोली जाती है, बस्तर में छत्तीसगढ़ी के अलावा भतरे बोली जाती है, कई जगह कुड़ुक भाषा बोली जाती है, तो सबका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर, वहाँ कुछ स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर उस भाषा की पढ़ाई जाए, वहाँ की जो स्थानीय बोली में जो भाषा होती है, और इसके लिए विभाग पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, और चाहे गोंडी हो, भतरी हो, सरगुजिया हो, कुड़ुक हो, सभी भाषाओं में लोगों का ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है। निजी स्कूलों में फीस को लेकर अनशन आपने मामले जो आ रहे हैं उसके लिए क्या? निजी स्कूलों की समस्याएं हैं, लेकिन पालकों की ओर से कई बातें आई हैं कि उनका फीस के संबंध में, तो हम लोग ने विचार किया है और सोचा भी है कि हम एक नियामक आयोग बनाएं इसके लिए, और जल्द ही इसमें हम तैयारी करके नियामक आयोग बनाएंगे, ताकि सभी लोगों से चर्चा करके और इसमें कोई ठोस पहल हो सके। सर, अधिकतर निजी स्कूलों में खेल के मैदान की कमी है, 2 मंजिला स्कूल चलाया जा रहा है, इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसकी जांच करेंगे उसकी, कि जो जिन शर्तों पे उनको अनुमति दिया गया है उन शर्तों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं करें तो उसमें फिर कार्रवाई होगी। For more information, log on to www.clips.in.